हेलो दोस्तों दोस्तों, जैसा कि वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ चुके हैं कि इस वीडियो में जो है हम विश्व भूगोल की किताब जो कि माजिद हुसैन सर की है वो देखने वाले हैं, और ये द्वितीय संस्करण है। उसकी बैक साइड हम देखते हैं, बैक साइड में जो है हमें इसमें क्या क्या कंटेंट मिलेगा एक इस पुस्तक में, वो यहाँ पर दिया गया है, तो आप देख पाएंगे। और इस किताब का यहाँ पर प्राइस दिया गया है 350 रुपये। अगर आप इस किताब को ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आप सुविधा समझें वैसे ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसके बारे में चेक कर सकते हैं डिटेल्स और भी जो कुछ रह जाती है। तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से इस किताब के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर भई यहाँ पर दिया गया है, जो मैंने पीछे आपको देखा कि अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, उत्तर पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिम मध्य अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया। और इस साइड में हम आएँ तो ये दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ओशोनिया, अंटार्कटिका। और इस किताब में यहाँ पर जो है कंटेंट दिया गया है, बताया गया है कि ये किताब क्यों लिखी गई है। तो यूपीएससी में बताया गया है कि 30% क्वेश्चन जो है भूगोल के जो है विश्व भूगोल की मैप से आते हैं, तो वो उसके हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। और ये UPCS के हिसाब से और UPSC के हिसाब से ये किताब जो है अच्छी किताब है। और इसके अंदर हम देखते हैं फिर यहाँ पर और माइनर लेवल पर डिटेलिंग की गई है, जो कि चैप्टर वाइज दी गई है यहाँ पर, कि अफ्रीका प्राकृतिक, फिर भू आकृति, नदियाँ, राजनीतिक, मध्य पूर्व, नील नदी, स्वेज नहर, मगरीब देश, अफ्रीका का अंडमान सहारा क्षेत्र, फिर पूर्व अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और फिर यहाँ पर एशिया। इस टाइप से इसमें और माइनर लेवल पर डिटेलिंग से चैप्टर वाइज, जो कि हमें स्टूडेंट एटलस में भी देखने को नहीं मिल पाती है, वो यहाँ पर पढ़ करके हम जानकारी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर चीन, कोयला, लोहा, तथा इस्पात, उद्योग, रेशम मार्ग, जापान, विरोना क्षेत्र, जापान एवं कोरिया, यूरोप, यूरोपीय नदियाँ, पर्वतमालाएँ, राजनीतिक, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और फिर इस साइड में हम देखें तो यहाँ पर पनामा, मध्य अमेरिका, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इस टाइप से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर न्यूजीलैंड, प्रशांत महासागर क्षेत्र, अंटार्कटिका, फिर यहाँ पर ही चैप्टर वाइज यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि अफ्रीका, जो इससे पहला चैप्टर यहाँ पर दिया गया है अफ्रीका, तो प्राकृतिक से यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो अफ्रीका जो है पहले प्राकृतिक स्टार्ट होगा, तो ये यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स दी गई है। जैसे चैप्टर को आप देखें कि एशिया के पश्चात अफ्रीका संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इस टाइप से यहाँ से स्टार्ट होती है। और इसमें बहुत सारी डिटेल्स है, फिर मैप्स के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। फिर यहाँ पर ये आप देख पाएँ तो अफ्रीका महाद्वीप में 5 मुख्य बेसिन, जो कि सुंडा बेसिन, चांड बेसिन, जो बेसिन, इस टाइप से डिटेल्स माइनर लेवल पर की गई है, जो कि UPSC या UPPCS की परीक्षाओं में पूछी जाती है। और यहाँ पर ये मैप भी दिए गए हैं, तो ये प्राकृतिक मैप है अफ्रीका का और ये भू आकृति, तो इस टाइप से यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। फिर यहाँ पर ये नदियाँ दर्शाई गई हैं। तो ये किताब मुझे अच्छी लगी। अगर आप इस किताब को लेना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आपको बार बार सूचना इस बात की। और फिर आगे आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छी किताब लगी मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस वीडियो के थ्रू इस किताब को शेयर किया जाए आपके साथ। तो पूरी किताब में इसमें जगह जगह मैंने पढ़ा है, देखा है, ठीक किताब है, अच्छी किताब है। तो अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। तो वीडियो कैसा आपको लगा आप ज़रूर बताएँ कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भूगोल की किताबें लेने को शेयर कर रहे हैं या सोच रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ और देखना चाहते हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि नया नोटिफिकेशन वीडियो का आए तो वहाँ तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, बाय बाय।